अभी हमको हमारे एक साथी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, आप भी सुन लीजिए, बहुत अच्छी है। एक फर्म का मालिक घर से गुस्से में होके, किसी बात पे गुस्सा हो गया, फर्म में गया, मैनेजर को बुलाया बिना बात के, तू तड़ाक डांट फाट, सारा गुस्सा उस पे उतार दिया। वो हैरान, आज मेरे मालिक को इसको क्या हो गया, ये बिना बात के गुस्सा कर रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, कुछ कमी नहीं, कुछ नहीं। अब उसके दिमाग में भी गुस्सा भर गया, जैसे इधर से आग लगाओ तो उधर गई, उधर से आगे फिर और आगे, ऐसे चलता है। किसी को हंसी की बात सुनाओ, इसको सुनाएंगे वो उसको, वो उसको, हंसी यहां से वहां तक, दिल्ली के इस छोर से उस छोर तक फैल जाएगी। कोई दुख की घटना सुनाओ, दुख यहां से लेके वहां तक, वहां तक, वहां तक, पल्ली तरफ तक चला जाएगा। संक्रमण होता है, क्रोध का भी संक्रमण होता है। उस फर्म के मालिक ने मैनेजर पे अपना गुस्सा निकाला, अब वो गुस्सा उसके दिमाग में भर गया, बिना बात के मुझे फटकार दिया, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, बिना बात के। वैसे वो अपने कर्मचारियों की तरफ गया और उनको खरी खोटी इधर की उधर की दुनिया भर की बातें सुना दी, और वे हैरान। और जैसे जैसे वो बोले उनको गुस्सा चढ़े, पर मैनेजर को कुछ कह नहीं सकते, क्या करें, नौकरी चली जाएगी, चुप, लेकिन गुस्से से भर गए। ऑफिस का वक्त खत्म हुआ, वे निकले और जो गेट पे वॉचमैन खड़ा था सबसे घूर घूर के और उल्टी सीधी सुनाई और चले गए। वो वॉचमैन अपने घर पहुंचा, गुस्सा उसके दिमाग में भरा हुआ था, जाके पत्नी को थपड़ाया, इधर से मारा उधर से मारा, और किस पे जोर चलता। वो गुस्से में भर गई, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, अरे हो या ना हो, बस चल गया। पत्नी ने सोचा ये कैसा पति तुझे मिल गया, जन्म खराब कर दिया मेरा इसने, छोटा बच्चा था, उसने उसके धैड़ से एक थप्पड़ मारा, क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, भाग यहां से बेचारा। उसको गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था वहां, पत्थर पड़ा था, उस बच्चे ने पत्थर उठाया और कुत्ते के धैड़ से मारा, वो क्रोध कुत्ते में चला गया। आप देखिए कहां से चल रही है श्रृंखला, आपने पढ़ा होगा ये। और कुत्ते ने जाके एक आदमी को जोर से काट दिया, कुत्ता वहां से भागा भीड़ में और एक को झेड़ झेड़ करके उसके पैंट फाड़ दी और अच्छी तरह से काट लिया, खून निकाल दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी, जिसने जो पता है वो आदमी कौन था जिसको कुत्ते ने काटा था, वही था फर्म का मालिक। समझ में आई नहीं बात, दोबारा बताऊं, उस कुत्ते ने जिस आदमी को काटा वो फर्म का मालिक था, जिसने मैनेजर पे गुस्सा उतारा, मैनेजर ने कर्मचारियों पे, कर्मचारियों ने वॉचमैन पे, वॉचमैन ने अपनी पत्नी पे, पत्नी ने बच्चे पे, बच्चे ने कुत्ते पे, और कुत्ते ने काटा सीधा, उसको पता नहीं ये कौन खड़ा है, और जाके भीड़ में काट लिया। वही था वो जहां से गुस्से की शुरुआत हुई थी, यानी हमारा कर्म चलते 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 जाने कहां तक जाके लौट के हमारे ही सामने आ जाता है। जीवन में किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो अच्छा ही कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर घूम के बादल की तरह उड़ के हमारे घर में आके बरसेगी। और किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो वो भी काले बादल की तरह उड़ के जाएगा, इधर उधर घूमेगा, बरसेगा हमारे सर पे आके, ये निश्चित बात है। कर्मों का फल मिलना जरूर है, चाहे आज मिले चाहे कल।